वेलकम टू कामयाब जिंदगी चैनल। दोस्तों कामयाब जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम सभी मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल जो है कभी ना कभी खराब जरूर हो जाती है और उसे रिपेयर की जरूरत पड़ती है, और रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो हमें याद आता है सर्विस सेंटर। लेकिन दोस्तों सर्विस सेंटर पर जाने से पहले आपको कुछ बातों का जो है ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो मोबाइल सर्विस सेंटर पर जाकर जो है भी ठीक से नहीं बन पाती, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है और हमारी जो है जानकारी जो है वो लीक हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे टिप्स जिसका आप अगर फॉलो करेंगे, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी मोबाइल सर्विस सेंटर पर देकर पछताएंगे नहीं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब आप मोबाइल को सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हैं तो आप क्या जानते हैं कि वो मोबाइल का सर्विस सेंटर जो है वो ऑथराइज्ड है, लीगल है, या फिर वो कोई डुप्लीकेट सेंटर है। जब दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे जो होते हैं मोबाइल के सर्विस सेंटर, मोबाइल सर्विस करने वाले, मोबाइल रिपेयरिंग वाले, वो ऐसे ही किसी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का जो है मोबाइल कंपनी का बोर्ड लगा लेते हैं और आप जो है समझ नहीं पाते, सोचते हैं यही सर्विस सेंटर है। और कुछ लोग ऐसा बोलते भी कि हाँ हम ऐसे मोबाइल का सर्विस करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। सबसे पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए गूगल से, या फिर कंपनी का जो टोल फ्री नंबर होता है उससे पूछिए कि आपके एरिया में कौन है जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला है। तो ये जानकारी लेने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल को सौंपिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल कहीं और से बनवा लेते हैं तो फिर आपको जो है सर्विस जो है वारंटी जो है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों फिर जो है आप अगर ओरिजिनल जगह पर जाते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले के पास तो वो कहते हैं कि आपने कहीं और से मोबाइल बनवाया है इसलिए आपकी वारंटी जो है खत्म कर दी जाती है। तो दोस्तों संभल कर अपना मोबाइल जो है नया मोबाइल है उससे अगर बनवाना है तो सिर्फ सर्विस सेंटर पर जाइए, ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाइए दोस्तों, ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर जब अपग्रेड होता है तो सारे डाटा जो डिलीट रहते हैं, इसीलिए आप मोबाइल को सर्विस सेंटर पर अगर आपके कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए आप जो है मोबाइल का कभी भी सर्विस सेंटर जाने से पहले जो मोबाइल का डाटा का बैकअप रखिए। हर एक फोटो, हर एक वीडियो, हर एक जानकारी, जितनी भी अहम जानकारियां हैं उसे जो है दोस्तों जरूर से उसका बैकअप जरूर लीजिए। आजकल तो कितनी सारी क्लाउड से, जैसे कि मोबाइल कंपनी की क्लाउड होती है, गूगल क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड है, वहां पर आप सेविंग कर अपना मतलब डाटा सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर कोई दूसरा मोबाइल है, बैकअप मोबाइल है, तो उसमें बैकअप रखिए। पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, दोस्तों डाटा स्टोरेज करने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल वहां पर आपने बैकअप नहीं रखा है तो हो सकता है कि मोबाइल रिपेयर करते वक्त, सॉफ्टवेयर अपडेट करते वक्त, या किसी भी कारण से अगर आपका डाटा सारा डिलीट हो गया तो आपको जो है बहुत 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 मतलब नुकसान हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसलिए भी जरूरी है कि अगर डाटा नुकसान नहीं भी होता है तो क्या हो सकता है कि अगर आप मोबाइल सर्विस सेंटर में छोड़ते हैं तो उनका टेक्नोलॉजी इतना हाई होता है कि वो आपके पासवर्ड वगैरह सब कुछ जो है वो खोल सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपकी सारी गोपनीय जानकारी जो हो सकती है वो लीक हो सकती है, हम कर नहीं सकते क्योंकि दोस्तों कहीं से भी जानकारी लीक हो सकती है। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम सावधान रहे, किसी को भी हम नए जगह पे मोबाइल को हम सर्विस सेंटर में दे रहे हैं तो मतलब इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम उसका बैकअप ले लें और उन्हें कोई भी ऐसी अहम जानकारी न सौंपे। दोस्तों ये बात आपको बहुत जरूरी माननी चाहिए। तीसरी बात दोस्तों ये है कि मोबाइल का जब भी आप सरेंडर करते हैं सर्विस सेंटर में तो वहां पर जो अपना मेमोरी कार्ड रख लीजिए। बैटरी तो खैर आजकल ही निकलती है, नॉन रिमूवेबल होती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन मोबाइल का जो सिम है और मेमोरी कार्ड है उसे अपने पास ही रखिएगा दोस्तों। अगर आप उसे वहां छोड़ देते हैं तो समझिए कि दोस्तों आपके मोबाइल से कहीं भी फोन हो सकता है, कुछ भी मतलब गलत उपयोग हो सकता है मोबाइल का, आपके सिम के द्वारा कॉल करके किसी के साथ भी जो है कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए फंस सकते हैं आप। यानी कि दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी मोबाइल को जमा करते हैं तो कम से कम अपना सिम कार्ड वहां से निकाल लीजिए, मेमोरी कार्ड निकाल लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि सर्विस सेंटर से ऐसा कई बार होता है कि मोबाइल सर्विस सेंटर में आता है और वहां से कई सारी जानकारी जो है लीक हो जाती है, कुछ आपके डाटा जो है वहां पे रह सकते हैं, तो मोबाइल का सिम वहां पर कभी मत छोड़िएगा दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात है। चौथी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मोबाइल सर्विस सेंटर में लेकर जाते हैं क्योंकि हम टेक्नीशियन नहीं है तो हमें क्या होता है कि हम जो प्रॉब्लम बताते हैं वो कभी कभी उसका जो है गलत चार्ज ले लेते हैं। होता है ये कि मोबाइल का कोई प्रॉब्लम रहता है जिसे सॉफ्टवेयर के द्वारा अपग्रेड कर दिया जाता है और मोबाइल का जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है, लेकिन आपसे कहा जाता है कि हमने इसका ये पार्ट चेंज किया है तो इसको आपको इतना चार्ज देना है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो उनसे जो एक पक्का बिल लीजिए और उसमें लिखवाइए कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम थी और आपने कौन सा पार्ट बदला है और उस पार्ट की कितनी वैलिडिटी है, मतलब उसकी कितनी लिमिटेड वारंटी है। या दोस्तों जो भी हम पार्ट्स बदलते हैं उसकी कुछ एक महीने, दो महीने, तीन महीने की वारंटी जरूर होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जब आप पक्का बिल लेंगे तभी जो है आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि आपके यहां से मैंने ये रिपेयरिंग करवाई थी, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है वो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हुई और आपने उसे बिल दे दिया, लेकिन दोस्तों बाद में हो सकता है कि वो प्रॉब्लम फिर से निकल कर आए, तो आप उस समय अगर आपके पास पक्का बिल रहेगा तो आप उस कंपनी को, उस ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को क्लेम कर सकते हैं कि आपके यहां से मैंने ये मोबाइल बनवाई थी और ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था तो ये प्रॉब्लम हमने ठीक किया था, इसके लिए आपने चार्जेस दिए थे, फिर ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। इसलिए दोस्तों पक्का बिल लीजिए जो भी रिपेयरिंग करवाई। और एक अहम बात लास्ट की,
हमारे मोबाइल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद पता चलता है, एक साथ सभी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, तो एक एक करके जो प्रॉब्लम्स आती है तो उसका पता हमें कुछ देर के बाद चलता है, लेकिन जब हम सर्विस सेंटर में जाते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को बताना भूल जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कोई भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे आप नोट कर लीजिए और एक एक करके वहां पर वो सारी प्रॉब्लम्स बताइए, ताकि आपकी मोबाइल के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब एक साथ ठीक हो सके। वरना क्या होगा दोस्तों, एक एक करके आप एक एक प्रॉब्लम बताएंगे, एक एक करके आप जाएंगे, आपका टाइम भी लॉस्ट होगा और आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों एक साथ सारा प्रॉब्लम जो बताइए और उसको जो है मोबाइल को अपने दुरुस्त कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि समय जो है दोस्तों बहुत ही कीमती होता है। इसलिए आप जो भी सब प्रॉब्लम जो आपके मोबाइल में है उसे पूरा बताइए और हो सके तो उस मोबाइल को एक साथ ही सब कुछ ठीक करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों नहीं तो बाद में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मोबाइल को सर्विस सेंटर में देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी, और हो सके तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।